कक्षा 11वीं सहायक वाचन वितान के बारे में आलो अंधारी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। जो एक अकेली महिला होती है समाज में, वह कैसे रहती है, उसका जो स्वामी होता है वह उसके साथ नहीं रहता है, बच्चों को पालने पोसने के लिए, काम की तलाश के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में इसके जो लेखक हैं वे भी हालदार, उन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है। इस पाठ का जो सारांश है मैं उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और बेबी हालदार द्वारा लिखित प्रस्तुत आत्मकथा आलो अंधारी अर्थात अंधेरे का उजाला में लेखिका ने एक साधारण सी कम पढ़ी लिखी काम वाली बाई के अत्यंत लोकप्रिय लेखा बनने की मर्म स्पर्शी कहानी को पिरोया है। बचपन से ही अथाह कलह और शारीरिक यातनाओं को झेलने को विवश लेखिका बेबी हालदार ने अपने जीवन संघर्ष का अत्यंत सरल एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। बेबी हालदार अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। वह हर दिन अपने लिए काम के साथ साथ किराए वाला घर भी ढूंढ रही थी। काफी दिन से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। बेबी हालदार के बच्चे साथ किराए के घर पर रहते थे। आसपास के लोग उसके पति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। बेबी को ये प्रश्न असहज करते थे। उसने पड़ोसी के एक युवक सुनील से भी उसके लिए कोई काम ढूंढने के लिए कह दिया था। दो एक दिन बाद ही सुनील ने उसे एक कोठी में काम दिलवा दिया। पहले दिन पैसे की कोई बात ना हो सकी। उस कोठी में पहले से ही एक विधवा औरत काम करती थी। बेबी के काम पर लग जाने के कारण उस बंगाली औरत की नौकरी छूट गई और वह जाते जाते बेबी से भला बुरा कहकर गई। नए घर में बेबी को मेहनत से काम करते देख कोठी के मालिक ने बेबी से पूछा कि उसे इतना अच्छा काम करना कैसे आता है। बेबी ने बताया कि वह बचपन से बिना ही माँ के रह रही है, इसलिए उसे घर में काम में कोई परेशानी नहीं होती। साहब के कहने पर बेबी के बच्चों को कोठी के पास के ही एक स्कूल में दाखिला मिल गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण अब बेबी का खर्चा बढ़ गया। उसने कहीं और भी काम ढूंढने की सोची। दूसरे काम के लिए उसने साहब से भी कहा। इस बीच बेबी ने अपने भाइयों के घर के पास दूसरा किराए का नया मकान ले लिया। नए मकान में सुविधाओं का अभाव था। आसपास के लोग भी उसको लेकर तमाम बातें करते थे। इस बीच कोठी के मालिक बेबी के काम से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे अपनी बेटी के रूप में मानने लगे और उससे कहते कि वह भी उन्हें उनके बच्चों की तरह तातू कहकर पुकार सकती है। उसके तीन लड़के थे किंतु कोठी में सबसे छोटा बेटा ही रहता था। वह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का था। कुछ दिन बाद जब तातूस को पता चला कि बेबी ने उन्हें बिना बताए अपना घर बदल लिया है तो उन्हें इससे दुख पहुंचा। एक दिन बेबी अलमारियों की किताब को साफ कर रही थी। उसे बंगाली भाषा में लिखी हुई कुछ पुस्तकें दिखी। उसने उन्हें उलटना पलटना शुरू किया। तातूस ने उसे ऐसा करके देख लिया। कुछ दिन बाद तातूस ने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह एक
महज छठी सातवीं तक ही पढ़ी है। तातुस ने अनायास उससे किसी लेखक का नाम पूछा। इस पर बेबी ने झट से पांच छह बंगाली लेखकों के नाम बता दिए। इस पर तातुस को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने बेबी को पढ़ने लिखने के शौक को भांप कर उसे तस्लीमा नसरीन लिखित एक बंगाली पुस्तक अमार मेझे बेला पढ़ने के लिए दी। बेबी पुस्तक को अपने साथ घर पर ले आई और समय मिलने पर एक दो प्रश्न प्रतिदिन पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद तातुस ने बेबी को एक पेन और एक कॉपी देते हुए कहा कि इस पर तुम अपनी जीवन कहानी लिखो। प्रारंभिक सोच और संकोच और संभावित त्रुटियों के डर को पीछे छोड़कर बेबी प्रतिदिन एक दो प्रश्न अपने जीवन संघर्ष के लिखने लगी। बीच बीच में तातुस उससे उनके लेखन की प्रगति के बारे में पूछते रहते और उसे लगातार लिखने के लिए प्रेरित भी करते। बेबी अब अपना किराए का घर पुनः बदलना चाहती थी ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। इस घर के आसपास का माहौल काफी खराब था। लोग उसके यूं ही बिना पति के रहने पर तमाम उल्टी सीधी बातें करते, छेड़खानी करते, सीटियां मारते, किसी न किसी बहाने से उसके घर तक आ जाते। एक दो दिन तो हद ही हो गई। मकान मालिक के बड़े लड़के ने उससे दुर्व्यवहार भरी बातें की। बेबी को इससे बहुत कष्ट हुआ। अब वह काम पर जाने के साथ साथ प्रतिदिन अपने लिए नया घर ढूंढने लगी। एक दिन दबंगों ने उनका सामान घर के बाहर फेंक कर उसका व बस्ती के कई और घरों को तोड़ दिया। ऐसे में थोड़ी दूरी पर ही उसके दोनों सगे भाइयों ने भी उसकी सहायता नहीं की। ऐसे में उसके जानकार मुस्लिम भोला ने उसकी मदद की। अगले दिन वह जब काम पर गई तो उसका एक बुझा चेहरा देखकर तातूस ने उससे इसका कारण जानना चाहा। सारी बात पता लगने पर तातूस उस पर नाराज हुए और उसने अपने बच्चों को के साथ लाकर उन्हीं के घर छत पर बने एक कमरे में रहने के लिए कहा। तातूस के आदेश का अक्षर पालन किया। अब बेबी खुश थी। उसके बच्चे भी बेहतर सुविधाओं के साथ सुरक्षा के माहौल में रहने लगे। तातुस उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखते थे। उसके परिवार की हरी हारी बीमारियों में उसकी हर तरह से सहायता करते। उसके बड़े लड़के जो किसी अन्य जगह पर काम करता था को ढूंढ निकाला और बेबी से मिलवा दिया। एक दिन तातुस ने उसके पढ़ने लिखने के बारे में पुनः पूछा। उसकी प्रगति जाननी चाहिए। तातुस के इतिहासकार मित्रों को जब इस बात का पता चला कि उनके घर पर काम करने वाली एक कामवाली बाई इस प्रकार अपनी आत्मकथा लिख रही है तो वो भी पात्रों के माध्यम से उसका हौसला बढ़ाने लगे, उसे प्रेरित करने लगे। कुछ दिन बाद तातुस के कहने पर बेबी अपने बड़े बेटे को भी अपने पास ले आई। अब जब तीनों बच्चे उसके साथ ही खुशी से रहने लगे। इस बीच तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो भाई सुखदीप और रमण भी रहने के लिए वहीं आ गए। सभी खुश मिजाज थे। उनके आने से घर में चहल पहल बढ़ गई। दिन में घर का सारा काम निपटाकर बेबी शाम को पार्क में ही टहलने के लिए पार्क में जाने लगी। इसी बीच बेबी का लेखन लगातार जारी था जिसका अवलोकन बीच बीच में तातुस और उसके मित्र करते थे। बेबी और तातुस के साहित्यकार मित्रों के मध्य
पत्राचार भी लगातार होता रहता था। एक बार किसी पार्क में तातुस के बंधु ने आशापूर्ण देवी नामक एक विदुषी का जिक्र किया, जो घर के सारे कामकाज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी। जब घर के सभी लोग सो जाते, देवी पर उसका प्रभाव पड़ा और वह दुगने उत्साह के साथ अपनी आत्मकथा को पूर्ण करने में जुट गई। इसी बीच एक दिन बेबी के पिताजी सवेरे सवेरे उनसे मिलने तातुस के घर पहुँचे। पता चला कि बेबी की माँ अब इस संसार में नहीं रही। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर बेबी की रुलाई फूट पड़ी। कुछ समय और रुकने और घर परिवार की बातें करने तथा तातुस से मिलने के बाद बाबा लौट गए। बाबा के जाने के बाद कई दिनों तक बेबी का मन खराब रहा। इस बीच बेबी के लिखे अंशों की सभी ओर से प्रशंसा होती रही। उसे सी किताब पूरी करने के लिए प्रेरित करते। समय के साथ साथ बेबी तातुस के घर की काम वाली बाई ना होकर उनके घर की एक अभिन्न सदस्य बन गई। वह भी पूरे घर की जिम्मेदारी से ख्याल रखती और घर के सभी लोग भी उसका व उसके बच्चों का ध्यान रखते। एक दिन अचानक तातुस ने एक पैकेट हाथ में जमा कर दिया, यह तुम्हारा ही है। यह तुम्हारा ही है, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट खोलने पर बेबी को उसमें एक पत्रिका प्राप्त हुई। पत्रिका में एक जगह उसे अपना नाम लिखा दिखा। मारे खुशी के वह झूम उठी। अपनी लिखी पत्रिका का सीने से लगाकर वह अपने कमरे में अपने बच्चे के पास पहुंची। माँ की लिखी पत्रिका और उस पर माँ का नाम लिखा देखकर बच्चे भी प्रसन्नता से भर गए। बेबी ने उन्हें सीने से चिपका लिया। अचानक उसे याद आया, उसने बच्चों को अपने से दूर किया और दौड़ते हुए नीचे तातुस के पास गई। उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। तातुस ने भी बेबी के सिर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। बेबी हालदार आलो अंधारी की जो लेखिका हैं, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, उनके जो जीवन का अनुभव था, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा, उनके साथ जैसा व्यवहार हुआ, समाज में रहने वाले लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने जो उनके साथ व्यवहार किया, इस बारे में उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण और उनकी परवरिश के लिए, काम के लिए, किराए के मकान में रहते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया, बहुत ही हृदय स्पर्श शब्दों में उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा और तातुस ने उनका मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया। और इस पाठ का जो पूरा सारांश है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और जो बेबी हालदार है, उनका जो जीवन परिचय है और क्वेश्चन आंसर है, सब पीडीएफ में आपको दे दिया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अध्ययन करिए, और कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते